हेलो फ्रेंड्स, मैं अनूप कुमार, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यदि आप मैथ में कमजोर हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है, हमेशा मैं बेसिक चीज़ों से लेकर चलता हूँ। सबसे पहले किसी भी प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले आपको हमारा एग्जाम्पल समझना होगा। हमारे एग्जाम्पल को समझिए, उसके बाद प्रश्नावली को स्टार्ट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये प्रश्न। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 आपका ये है कि समाकलन 2-3 साइन एक्स बटा में क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स आपका समाकलन करना है डी एक्स ना। इसमें कैसे करेंगे हम लोग देखिए। सबसे पहले देखिए, इसमें से यदि हम लोग ऐसे करते हैं समाकलन, इसका हम लोगों को कोई भी सूत्र मालूम नहीं है। इसका कोई भी सूत्र ऐसा नहीं होता है जिसका इसका समाकलन किया जा सके। ठीक है, इसको चेंज करेंगे हम लोग पहले सूत्र में। तो चेंज कैसे होगा देखिए, ये जो कॉस स्क्वायर है बारी बारी दोनों का बाटा लगा दीजिए, क्योंकि ऊपर दो पद हैं। एक बार कॉस स्क्वायर एक्स इसके साथ चला जाएगा, एक बार इसके साथ चला जाएगा। ठीक है, देख लीजिए थोड़ा समाकलन चेंज करेंगे तो यह हो जाएगा 2/2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस इसके भी साथ आ जाएगा 3 साइन एक्स बटा में ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर क्या है एक्स डी एक्स। क्या इस तरह से लिखा जा सकता है इसको? ठीक है, अब इसको करेंगे क्या हम लोग, समाकलन 2 को अलग कर दीजिए, 2×1 क्या इसको लिखा जा सकता है कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि 2 से गुणा करेंगे 2×2 यानी 2/2 कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा फिर, यानी कि यह हो जाएगा माइनस, ये आपका हो जाएगा 3× साइन एक्स बटा में। इसमें देखिए साइन एक्स है, इसमें कॉस कितनी बार है, 2 बार, 2 घात है 2 बार है, 3 घात रहेगा तो 3 बार, तो 2 बार है। एक बार इसको लिख सकते हैं साइन बटा में क्या, एक घात वाला पहले रख दिए, फिर इसको एक घात बचा है तो आप इसको लिख सकते हैं 1/2 में क्या, कॉस एक्स डी एक्स। आप लोग सोच रहे होंगे क्यों इस तरह से लिखा जा रहा है, क्योंकि यदि हम इस तरह से लिख दें तो आपका ये जो है साइन एक्स बटा में कॉस एक्स ये टेन एक्स हो जाएगा, और गुणे डॉट है यानी कि 1/2 कॉस एक्स जो है कि सेक एक्स, तो हम लोग का सूत्र मिल जाएगा टेन एक्स इंटू सेक एक्स। सबसे पहले आप लोग फार्मूला याद होना चाहिए, जब फार्मूला याद रहेगा तो आप लोग तुरंत ही पता चल जाएगा कि आखिर में इसको क्या करना है। सरसमिका है, त्रिकोणमिति का भी सब, यदि वो सभी याद रहे तो आसानी से आप लोग लगा सकते हैं। चलिए समाकलन 2×1 कॉस स्क्वायर एक्स, देखिए आप लोगों का सूत्र होता है सरसमिका में, त्रिभुज त्रिकोणमिति में सेक एक्स हो तो आप इसको लिख सकते हैं 1/2 क्या, कॉस एक्स। ठीक है, यदि सेक एक्स हो तो उसको आप लिख सकते हैं 1/2 कॉस एक्स, यदि आपका यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स हो तो इसको लिख सकते हैं 1/2 क्या, कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसी तरह से यदि देखिए यहां से यदि आप लोगों का कॉस स्क्वायर एक्स हो या मान लीजिए कॉस एक्स हो, तो फिर देखिए कॉस एक्स का यदि मान निकालते हैं तो ये यहाँ पर चला आएगा और ये वाला यहाँ पर, यानी कि कॉस एक्स का मान निकालना है तो 1/2 ये आपका हो जाएगा क्या, सेक एक्स। अंतर इस तरह से होता है। ठीक है, अब देखिए इसको इतना लिखा जा सकता है, इसको इतना लिखा जा सकता है। ठीक है, इसको इतना लिख सकते हैं, इसको क्या इतना, सॉरी जो आपको सूत्र चाहिए उसके अनुसार इसको आप बदल सकते हैं। इसमें आपका सेक स्क्वायर एक्स का अवकलन होता है, इसको 1/2 कॉस स्क्वायर एक्स है तो इसको हम लोग सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। उसी तरह से ये आपको 1/2 जो कॉस स्क्वायर एक्स है इसको हम लोग लिख सकते हैं उस सूत्र के अनुसार किसके बराबर, सेक स्क्वायर एक्स लिखा जा सकता है माइनस। इसमें आ जाइए, वही क्रिया देख लीजिए, इसमें देखिए 1/2 कॉस एक्स जो है उसमें घात नहीं है, तो 1/2 कॉस एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, घात हटा देंगे तो सेक एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 3। और साइन बटा में जो कॉस है, देखिए ये साइन बटा में कॉस किसका सूत्र होता है, टेन थीटा हो तो इसको आप लिख सकते हैं साइन थीटा बटा में क्या, कॉस थीटा, यानी कि टेन थीटा हो तो आप उसको साइन थीटा बटा में कॉस थीटा लिख सकते हैं, यानी कि आपका हो जाएगा साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, ये आपका क्या हो जाएगा टेन थीटा रखेंगे, यहाँ पर कोण एक्स है तो आप क्या रखेंगे एक्स डॉट, 1/2 ये किसके बराबर हुआ था, सेक एक्स, ये आपका क्या हो जाएगा डी एक्स। इतना कर लिए, अब समाकलन लीजिए, ये देखिए इसका गुणांक 2 है तो ये बाहर आ जाएगा समाकलन से, समाकलन सेक स्क्वायर एक्स माइनस, ये भी बाहर आ जाएगा
साथ में dx ये भी बाहर आ जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा 3 समाकलन tan x इंटू क्या sec x और क्या dx लग गया यहाँ से। चलिए यहाँ से आपका समाकलन जो है कि sec square x का समाकलन आपको उदाहरण बताया गया था, प्रत्येक प्रश्नों में भी बताया गया है जिसमें जिसमें आया था, तो sec square x का समाकलन आपका होता है sec square x हो तो इसका समाकलन क्या होता है tan x हो जाता है, यानी कि उसका यदि समाकलन करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा tan x हो जाएगा, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, 3 है तो 3, tan x इंटू sec x या sec x इंटू tan x, ये आपका सूत्र होता है sec x इंटू tan x इक्वल टू क्या sec x, यानी कि आप इसको sec x इंटू tan x भी पढ़ सकते हैं या tan x इंटू sec x भी पढ़ सकते हैं, इसका समाकलन तो आपका क्या होता है sec x, यानी कि आपका हो जाएगा क्या sec x प्लस क्या फाइनल c, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, प्रश्न आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।